नमाज में इखलास पैदा हो जाए, इसके लिए क्या तदबीर हमें करनी चाहिए? वसवसों से कैसे बचा जाए और खालिस नमाज अदा करें और अल्लाह की मोहब्बत में नमाज अदा करें? इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ में एक तवील हदीस मुबारक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम निहायत अदब एहतराम के साथ हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो सवालात किए उनमें का एक अखीर सवाल, यानी अखीर के सवालों में से तीसरा सवाल गोया के ये था कि अखबिरनी अनिल एहसान या रसूल अल्लाह, एहसान और इखलास के बारे में आप मुझे बतलाएँ। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इखलास और एहसान की कैफियत क्या है उसको बतलाते हुए इरशाद फरमाया, अन तअबुद अल्लाह कअन्नका तराह, तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह करो गोया के तुम उसके जलवों का मुशाहदा कर रहे हो। फइन लम तकुन तराह, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख रहे हो तो भी इबादत में इखलास और हुस्न को पैदा करो। क्यों? फइन्नहु यराक, इसलिए कि वो तो तुम्हें देख रहा है। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि गोया के हम अल्लाह को देख रहे हैं, इसको मुशाहदा कहते हैं। दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा है, इसको मुराकबा कहते हैं। पहली कैफियत तो खासान खुदा के लिए है, उमूमी तौर पर हम जैसे खाकसारों और गुनाहगारों के लिए इतनी बात तो ज़रूर अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए, फ़इन्नहु यराक, कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा है। तो अल्लाह देख रहा है का जो फरमान है उसको जहन में हम अच्छी तरह मुर्तसिम कर लें, दिलों के अंदर जागुजी कर लें। और ये एक बात सिर्फ नज़रियात यहाँ तक ही ना रहे बल्कि यकीन बन जाए। फलसफियाना अंदाज की बात रहती है तो उसका असर उतना नहीं होता। अगर वो दिल के अंदर यकीन की कैफियत इख्तियार कर लेती है तो यकीनन उसके असरात भी मुरतब होते हैं। तो वो वजूद अल्लाह तबारक व तआला का अजली अबदी है और वो हर हाल में मुझको देख रहा है, इसका कमाल दर्जे का अगर यकीन पैदा हो जाता है तो फिर इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि इबादत के अंदर आपकी लौ लग रही है और अल्लाह तबारक व तआला उसमें इखलास की नेमत से आपको मालामाल ज़रूर फरमा देगा। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है ये बात जो अर्ज़ की जा रही है। सवाल करने वाले भाई कहते कि नहीं है, कहने वाले के लिए भी है कि हम भी ऐसे ही पढ़ें और आपको भी, हम सबों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि गोया अल्लाह तबारक व तआला यकीनी तौर पर हमें देख रहा है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हमें इस बात की तालीम दी है कि हम अल्लाह की बारगाह में जब इबादत करने खड़े होते हैं तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ध हनीफा, कि बेशक मैंने अपने आप को उस रब की तरफ मुतवज्जे कर लिया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। और कैसे? हनीफा, मैंने अपने आप को अपने मौला के हवाले किया इस हाल में कि सबसे मैं कट चुका और अपने मौला से वाबस्ता हो चुका हूँ। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। यहाँ जबकि नमाज का आगाज़ हो रहा है, वमा अना मिनल मुशरिकीन का क्या मामला है? तो यहाँ सूफिया और उरफा ने फरमाया है कि नमाज में गैर का ख्याल आना ये खुद भी नमाज की रूहानियत के खिलाफ है। इसको भी जाहिर करने के लिए फरमाया गया कि निखावा दिखावा नमूद भी नहीं होना चाहिए और गैर के देखने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमतन मुतवज्जे होकर इबादत करनी चाहिए जैसा कि हजरत सहाबाए किराम ने और ताबईन ने अहलुल्लाह ने इबादत की है, उसको पैदा करने की हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए।